मेरे बच्चे, हर वक्त इस बात की चिंता करते रहते हो कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा सोच सोचकर अपने मन को दुखी मत करो। दुनिया बहुत स्वार्थी है मेरे बच्चे। मतलब निकल जाने के बाद कोई किसी को नहीं पहचानता। तुम ज्यादा मत सोचा करो। लोगों का व्यवहार तुम्हारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता। उनका व्यवहार उनका कर्म है, उससे उनका भाग्य बनता है। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, उनसे कैसा व्यवहार करते हो, वो तुम्हारा कर्म है, उससे तुम्हारा भाग्य बनता है। तुम किसी से प्रतिशोध की भावना अपने मन में ना रखकर अपनी आत्मा को दूषित ना करो। साईं सब देख रहा है। जो भी करना है साईं को करने दो। साईं अपने भक्तों को दुख देने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। तुम भी मेरी नजर में हो, इसलिए अपने कर्म सोच समझकर करो। तुम्हारे प्रत्येक विचार और कर्म मेरी निगरानी में है। संभल कर रखना कदम मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारे कुछ कर्मों की वजह से मैं तुमसे दूर ना चला जाऊं। यूं तो मैं किसी को टोकता नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त के कदम सही दिशा में नहीं जा रहे, तो पग पग पर उसे आगाह करता हूँ। और जो मेरे इशारे समझते हैं, वो आने वाले खतरे से बच जाते हैं। जिसे साईं से सच्चा प्रेम है, उसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि हर प्राणी के हृदय में साईं का निवास रहता है। यदि ऐसा नहीं, तो साईं के प्रति श्रद्धा और समर्पण मात्र एक दिखावा है। जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दो। जब जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तो फिर डर किस बात का। तुम तो बस उड़ना सीख लो, फिर दूर कहाँ आकाश है। अंधेरे उजाले तो संसार में आते जाते रहते हैं, मेरे धाम में तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। तुम सदैव मुझसे जुड़े रहो। जिसके जीवन का तार मुझसे जुड़ा है, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। जब तुम विश्वास भाव से मेरी शरण में आओगे, तो मेरे आशीर्वाद से मनवांछित फल पाओगे। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे बातों को अमल करना मेरे बच्चे, और अपने कर्म अच्छे बनाना। मैं तुम्हारी बाह हमेशा पकड़े रखूंगा।